टेंगे में में। तो, e तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड से एसिड जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड एसिस से डिराइव हुआ है एसिस मीन्स सार सार मीन्स खट्टा तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है सार होता है खट्टा होता है सबसे आंसर सार इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सार होता है खट्टा होता है लेकिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सार या खट्टा क्यों होता है क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है तो उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं या फिर एसिडिक सब्सटेंसेस। और इनका केमिकल नेचर कैसा होता है एसिडिक होता है दीज सब्सटेंसेस आर केमिकली एसिडिक इन नेचर तो उन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है होता है। तो अब हम कुछ, देखते हैं, के, कुछ ऐसे जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है खट्टा होता है एसिड क्यों? प्रेजेंट होता है अब वो कौन सा एसिड होता है वो हम आगे देखेंगे तो एसिड्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से एसिड होते हैं और वो किन किन सब्सटेंसेस में फाउंड होते हैं नेक्स्ट इज एसिड एंड देयर सोर्सेस तो अब हम देखते हैं कुछ एसिड्स और वो एसिड्स किन सब्सटेंसेस में फाउंड होते हैं तो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन तो सबसे पहले है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड किसमें मिलता है विनेगर में विनेगर जिसे हम यूज करते हैं पिकल्स बनाने के लिए चौमिन बनाने के लिए क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होता है खट्टा होता है और खट्टा क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर होता है एसिड कौन सा एसिटिक एसिड नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड ये किसमें मिलता है आंट में आंट आंसटेंग में क्या होता है फॉर्मिक एसिड जब चींटी हमें काटती है तो हमें हल्की सी जलन होती है क्यों क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में नेक्स्ट इज एसिड एसिड में फाउंड होता है सिट्रस ऑरेंज लेमन इन सब फ्रूट्स में क्या होता है सिट्रिक एसिड ये सारे फ्रूट खट्टे होते हैं खाने में क्योंकि इनके अंदर क्या होता है सिट्रिक एसिड नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड किसमें फाउंड होता है कर्ड में दही में दही में क्या होता है लैक्टिक एसिड नेक्स्ट इज एसिड एसिड किसमें फाउंड होता है Spinach में Spinach में कौन ऑक्जेलिक एसिड नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड टार्टरिक एसिड किसमें फाउंड होता है tartaric acid. Tartaric acid में होता है? में इमली ग्रेब अंगूर जो है कितने खट्टे होते हैं खाने में क्योंकि इनके अंदर क्या होता है एसिड कौन सा टार्टरिक एसिड एंड द लास्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड ये किसमें फाउंड होता है आंवला में आंवला खाने में कितना खट्टा होता है इट इज बिकॉज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये जो हमने अभी एसिड डिस्कस किए हैं ये सारे एसिड जो हैं ये नेचुरल एसिड्स हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें मिलते हैं इसने किसी ने बनाया नहीं है ये हमें नेचर से मिलते हैं लेकिन सारे एसिड जो हैं हमें नेचर से नहीं मिलते तो आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं हम एसिड्स की उसके सोर्सिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्स तो अब हम देखते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दे सोर्स तो सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड के बारे में एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड जो एसिड्स हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड्स मतलब जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है वो हमें नेचर से मिलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड टार्टरिक एसिड लैक्टिक एसिड ये सब क्या है नेचुरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं सेकेंड टाइप कौन सा है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड ये कौन से एसिड्स होते, है? होते हैं एसिड्स विच आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम मिनरल्स जो एसिड्स हमें मिनरल से ऑप्टेन होते हैं जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड मतलब जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब क्या है इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल मिनरल एसिड एसिड क्योंकि ये ये से से मिलते हैं हमें? से मिलते हैं हैं हमें अब ये जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड जो बिल्कुल सेफ होते हैं तो अब हमने देख लिया कि एसिड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स तो अब आगे हम देखते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ तो अब हम देखते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देर स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, पे एसिड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं स्ट्रॉग एसिड वीक एसिड्स तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में जो इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो हमें मिनरल से ऑप्टेन होते हैं जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में वो क्या होते हैं स्ट्रोंग एसिड और इनका नेचर कैसा होता है क्रोजिव होता है ये डेंजरस होते हैं ये हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं अगर इन एसिड्स को अगर हम हाथ लगाए तो हमारा हाथ जल जाएगा तो इन एसिड्स के साथ डील करने के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ऑर्गेनिकलिड कौन -कौन वीक वीक जो हमें नेचर से मिलते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं वो वीक एसिड होते हैं और इनका नेचर कैसा होता है माइल्ड होते हैं अब इन एसिड को तो हम खाते हैं हम जब एसिड को खाते हैं तो हम जल तो ना जाते हैं जब हम कर्ड खाते हैं जब हम विनेगर खाते हैं तो हमारा गला कोई जल जल्द ना जाता है क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है बिल्कुल माइल्ड होता है बिल्कुल सेफ होते हैं फॉर एक्साम्पल example, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जैसे एसिड 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 एसिटिक लैक्टिक ऑक्सैलिक ये सब क्या है वीक एसिड्स तो अब हमने क्लासिफिकेशन देख ली एसिड्स की अब आगे हम देखते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे हम देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तो अब हम देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज सबसे पहले है सार इन टेस्ट तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है सार होता है खट्टा होता है नेक्स्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर जो एसिड है ये इजिली मिक्सअप हो जाते हैं वाटर के साथ नेक्स्ट इज रिएक्ट विथ मेटल्स अभी जो एसिड होते हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ इसीलिए इनको या तो प्लास्टिक या फिर ग्लास कंटेनर में ही स्टोर किया जाता है क्योंकि ये मेटल के साथ क्या करते हैं रिएक्ट कर जाते हैं मोस्ट एसिड सोल्यूशन आर क्रोजिव मोस्ट ऑफ द एसिड जो होते हैं वो क्रोजिव इन नेचर होते हैं डेंजरस होते हैं और वो कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं क्रोजिव इन नेचर होते हैं डेंजरस होते हैं हार्मफुल होते हैं लास्ट इज टर्न ब्लू लिटमस टू रेड अब ये जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स वाली वीडियो में बट फिलहाल के लिए इतना काफी है कि एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब आगे हम देखते हैं बेसिस के बारे में बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अब आगे हम देखते हैं बेसिस के बारे में तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस से बेसिस क्या होते हैं सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग जिस सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर होता है बिटर का मतलब क्या हो कड़वा होता है और उनका टच कैसा होता है बिल्कुल सोपी और स्लिपरी होता है तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेसिस या फिर बेसिक सब्सटेंसेस क्योंकि उनके अंदर क्या होता है उन सब्सटेंसेस के अंदर बेस प्रेजेंट होता है और उनका नेचर कैसा होता है बेसिक होता है दिस सब्सटेंसेस आर केमिकली बेसिक इन नेचर जैसे एसिड acid का एसिडिक होता है बेसिस का बेसिक होता है तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेसिस के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल सोप विंडो क्लीनर बेकिंग सोडा मिल्क और मैग्नेशिया ये सब क्या है बेसिस इनके अंदर क्या होता है बेस प्रेजेंट होता है अब कौन सा बेस होता है वो हम आगे देखते हैं तो बेसिस क्या है ये हमने देख लिया अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस होते हैं और वो किन किन सब्स्टान्सिस में फाउंड होते हैं नेक्स्ट इज बेसिस एंड देयर तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस होते होते हैं हैं और वो किन किन सब्सटेंसेस में फाउंड तो सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस में फाउंड होता है लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकिन लाइम वाटर क्या होता है चूना नॉट लेमन वाटर इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है लाइम वाटर क्या होता है ये बेसिक होता है और लेमन वाटर क्या होता है एसिडिक तो इस चीज का ध्यान रखें नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें फाउंड होता है विंडो क्लीनर में विंडो क्लीनर्स होते हैं उनके अंदर कौन सा बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट इज सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में फाउंड होता है सोप में सोप जिसे हम बात लेते हैं हैंड वॉश करते हैं इनके अंदर कौन सा बेस होता है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट ये किस में फाउंड होता है बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा में कौन सा बेस बेस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट लास्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें फाउंड होता है मैग्नेशिया में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या होता है एसिडिटी होती है या फिर गैसेटिक प्रॉब्लम होती है तब हम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया लेते हैं तो अब हमने देख लिया कौन कौन से बेसिस होते हैं और वो किन किन सब में फाउंड होते हैं तो आगे हम देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस तो अब हम देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज सबसे पहले है बेटर एन तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है बेटर होता है बेटर का मतलब कड़वा अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एसिड का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है कड़वा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली जाके किसी चीज को भी टेस्ट करना शुरू कर दें ये देखने के लिए कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस तो ये देखने के लिए इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इज फील सोपी और स्लिपरी अब ये जो बेसिस होते हैं इनका टच कैसा होता है सोपी या फिर स्लिपरी होता है अगर आप बेकिंग सोडा को टच करेंगे तो उसका टच आपको बिल्कुल स्लिपरी सा लगेगा नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अभी जो बेसिस होते हैं ये कर सकते हैं टर्न्स रेड लिटमस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन अभी जो बेसिस होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में

जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना तो वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करते हैं ना तो रेड से ब्लू ना ब्लू से रेड अब ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते कौन से हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे वाटर सुगर सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट कुकिंग ऑयल ये सब क्या है न्यूट्रल ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक तो हमने एसिड और बेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें